यूपी के बुलंदशहर में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब विद्युत कर्मियों से मारपीट मामले में आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर अज्ञात लोगों ने पहले तो पथराव किया और फिर इसी गहमा गहमी के माहौल में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फायर भी कर दिया गया। तमंचे से निकली गोली घटना स्थल पर मौजूद नाबालिग की टांग में जा लगी। ये तस्वीरें बुलंदशहर के सिकंदराबाद के सराय झांझन की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह पुलसिया अमले ने इस कॉलोनी को छावनी में तब्दील कर दिया है। दरअसल इससे पहले जो हुआ वह बहुत हैरान कर देने वाला था। यहाँ विद्युत कर्मियों से मारपीट मामले में पुलिस की टीम आरोपियों को पकड़ने पहुंची थी, लेकिन पुलिस आरोपियों को पकड़ पाती उससे पहले ही अज्ञात लोगों द्वारा पथराव कर दिया गया, जिससे एक दरोगा सहित एक सिपाही और होमगार्ड घायल हुए। इतना ही नहीं, पुलिस का दावा है कि गहमा गहमी के माहौल में अज्ञात युवक द्वारा फायर भी किया गया, जिसमें गोली वहां मौजूद नाबालिग को लग गई। वहीं इस बवाल में दरोगा को गोली लगने और आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम से राइफल छीनने की अफवाह भी तेजी से फैली। हालांकि पथराव और फायर की सूचना के बाद जहां बुलंदशहर एसपी सिटी प्रवीण रंजन सिंह मौके पर पहुंचे, तो वहीं कई थाने की फोर्स को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस के आला अधिकारी के मुताबिक सिकंदराबाद के सराय झांझन में दो दिन पहले बिजली चोरी पकड़ने गई विद्युत कर्मियों की टीम पर कुछ दबंगों ने हमला कर दिया था। इतना ही नहीं, दबंगों द्वारा विद्युत कर्मियों के मोबाइल फोन भी तोड़ दिए गए थे। वहीं विद्युत विभाग की तरफ से मुकदमा दर्ज होने के बाद आज पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश देने गई थी, जिसके बाद ये सारा बवाल खड़ा हो गया। सर, सिकंदराबाद के सराय झांझन में एक पुलिस कर्मियों की टीम गई थी पकड़ने के लिए जो विद्युत कर्मियों के साथ मारपीट का मामला, उसमें ये जानकारी मिल रही है कि एक दरोगा जी को भी गोली लगी है, वहाँ फायरिंग हुई है, एक आम जन में किसी नाबालिग को गोली लगी है, क्या कुछ ये पूरा प्रकरण है सर, क्या कुछ इसमें सच्चाई है और कितने लोग गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए? देखिए, आज दोपहर में विद्युत विभाग की टीम गई थी सराय झांझन मोहल्ले में, अलाउद्दीन के घर पे छापा मारा उन लोगों ने, वहां पर विद्युत चोरी पकड़ी गई, जिसके खिलाफ उन लोगों ने विद्युत कर्मियों से मारपीट की। वहाँ पे इस आशय का अभियोग पंजीकृत विद्युत कर्मियों ने पंजीकृत कराया थाना सिकंदराबाद पर। उन्हीं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए आज शाम को हमारी पुलिस टीम गई थी सराय झांझन मोहल्ले में अलाउद्दीन के घर पे दबिश देने के लिए। बहुत पतली सी गली है, वहाँ पे भीड़ इकट्ठा थी, उसी भीड़ में से इन लोगों ने बचाव में अपने भगदड़ मचाने के लिए किसी ने तमंचे से फायर किया, जो कि एक बच्चे के पैर में लग गई घुटने के नीचे, और बाकी लोग पत्थर फेंकने लगे तो हमारे एक दरोगा जी के मुंह पर पत्थर लगा हुआ, वह पत्थर से चोट हल्की आ गई, बाकी और किसी को कोई चोट नहीं है। 17 लोग इस समय हिरासत में है हमारे पास और लोगों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है, लगातार सामान्य स्थिति है और कोई ऐसी उल्लेखनीय बात नहीं है। सर, आज दिन में भी पेट बाजार पर विद्युत विभाग पर मारपीट हुई है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, एक तहरीर आई थी, मैंने बताया, अलाउद्दीन और उनके लड़कों के खिलाफ, उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। दूसरा कोई ऐसा मामला होगा, अगर तहरीर आएगी तो उस पर भी अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। सर, विद्युत विभाग ने आज लाइट बंद कर दी थी, पूरा क्षेत्र आज सिकंदराबाद क्षेत्र में लाइट नहीं है रही है, किसी विषय पर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रूटीन की कटौती थी शाम की, इसलिए लाइट नहीं आ रही थी। मैंने आते ही उन लोगों से बात की, ऐसी बात तो मेरे संज्ञान में आई थी, उन लोगों ने, उनके एक्सीएन ने बताया कि सर, यह रूटीन की कटौती है और उस कटौती के अंतर्गत इस समय लाइट बंद है। आप देख रहे होंगे सामान्य विद्युत व्यवस्था बहाल है इसमें। सर, जिस नाबालिग को गोली लगी उसकी कैसी हालत है और जो दरोगा जी इसमें घायल बता रहे हैं उनकी कैसी हालत है? दरोगा जी बिल्कुल ठीक है, पत्थर से उनके मुंह पे लग गया था थोड़ा सा, वो बिल्कुल ठीक है। जो बच्चे को लगी है किसी के द्वारा चलाई गई गोली से, वो बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी उल्लेखनीय बात नहीं है, एकदम सब सामान्य है।